वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्यूशन मिलान। दोस्तों जो भी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना मत भूलो। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ 9 वाट का ओरिबा का LED बल्ब जो कि ब्लिंकिंग प्रॉब्लम है। तो देखिए इसका जो मैं वोल्टेज नाप रहा हूँ और एक एक LED को चेक कर रहा हूँ SMD वाला जो LED है, तो क्या होता है अक्सर मीटर के मदद से इसको चेक करके भी इसका खराबी पता नहीं चलता है। मतलब जो भी SMD खराब रहता है वो पूरी तरह से खराब नहीं रहता है दोस्तों, इसी कारण जो है मीटर से चेक करके नहीं पता चलता है। और देखिए इसका वोल्टेज जो है कितना अप डाउन कर रहा है, देखिए मतलब 68 से 82 तक वोल्टेज वैरी कर रहा है। तो इसका जो है ब्लिंकिंग प्रॉब्लम दोस्तों, इस ब्लिंकिंग प्रॉब्लम के लिए इस पूरा बॉडी को हम नहीं खोलेंगे, तो ऊपर से कोशिश करेंगे इसको खोलने के लिए। तो खोलने के बाद इसको हम देखेंगे कि इसका प्रॉब्लम क्या है। तो इसी कारण क्या करेंगे, इसका जो है ऊपर वाला दो नाट खोल लेंगे और खोल के MPCB को थोड़ा लूज़ कर लेंगे। तो लूज़ करने के बाद स्क्रू ड्राइवर के मदद से हम इसका ऊपर वाला जो ढक्कन है खोलने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं खुलता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, पीछे से हमको पूरा ही खोलना पड़ेगा। तो इसको क्यों खोलेंगे दोस्तों, इसका जो है हमको पता चल रहा है MPCB ख़राब है, लेकिन खोल के आपको ज़रूर देखना पड़ेगा MPCB लगाने से पहले। तो इसका जो कॉन्डेंसर रहता है 100 वोल्ट का वो ख़राब तो नहीं है, फटा या फुला हुआ रह सकता है। और एक वायर ले लेंगे, उसके दोनों तरफ दो प्रॉब लगा हुआ होगा, तो उसी से शॉर्ट करके हम चेक करेंगे। तो जो भी LED ख़राब होगा, तो देखिए ये वाला LED ख़राब है इसीलिए बल्ब ग्लो हो गया। तो अभी उस LED को चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन अभी हम चेंज नहीं करेंगे, पूरा ही MPCB चेंज कर देंगे क्योंकि कस्टमर इधर खड़ा है अभी लेके जाएगा। तो MPCB का जो LED होता है दोस्तों उसको उठा के बैठाने में थोड़ा तकलीफ भी होता है, टाइम भी लगता है। तो मैं इसको क्यों दिखा रहा हूँ, जो मार्केट में मिलता है MPCB वो थोड़ा बड़ा वाला होता है, तो इसको आप कैसे सेट करोगे इसमें, तो वो तो आसान है, हर किसी को तो मतलब MPCB से LED उठा के बैठाने में उतना आसान नहीं है, तकलीफ होता है। तो उससे आसान है MPCB को ही बदल दो। तो देखिए जो MPCB मिलता है, देखिए इससे कितना बड़ा है और चारों दिशाओं से, तो बाल भी थोड़ा छोटा है ओरिबा का। तो इसको आप कैसे इसमें सेट करोगे, क्योंकि इसका जो स्क्रूप रहता है वो भी सही से नहीं पड़ेगा इसका छेद के ऊपर। तो देखिए इसको कैसे आप ठीक कर सकते हो। तो हम देखिए इसको बैठा दिया है, तो अभी थोड़ा पेस्ट लगा के हम सोल्डर कर लेंगे। सोल्डर करके इसको एक बार लाइन दे के देखेंगे कि MPCB ख़राब है, उसके बाद इसको हम सेट करेंगे, वो भी दिखाएंगे कैसे आप इसको सेट कर सकते हो सही से, नया जैसा हो जाएगा ये दोस्तों। तो देखिए लाइट मेरा ग्लो कर गया। तो देखिए MPCB को अभी सेट करना पड़ेगा। तो इसका जो बीच का होल है वही देख के इसको बैठाइए। तो बैठाने के बाद जो ट्यूनिंग वाला स्क्रू ड्राइवर है, देखिए दोस्तों तापरिया का मिलता है, तो इससे आप आहिस्ता आहिस्ता घुमाइए। तो इसका जो एल्युमिनियम का बॉडी है दोस्तों हीटसिंक वाला, वो छेद हो जाएगा आसानी से। तो देखिए मैं ठीक से दिखा रहा हूँ इसको, उसके बाद आप इसमें स्क्रूप को कस सकते हो, तो नया जैसा ही हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि MPCB जो है वो चेंज किया है, और इसका लाइफ भी बढ़ जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसमें छेद हो गया, अभी एक नाट को कस देंगे, उसके बाद दूसरे साइड में भी हम छेद करेंगे।
और दोस्तों आप लोगों को अगर मेरा चैनल का वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग तो वीडियो देखते हो दोस्तों लेकिन लाइक नहीं करते हो, लाइक करने से वीडियो बनाने की इच्छा और भी बढ़ जाता है दोस्तों। और दोस्तों मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके 170 से ऊपर वीडियो है दोस्तों, वो आप लोग देख सकते हो और उससे आप लोग लाभ उठा सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है दोस्तों। तो देखिए दूसरा वाला जो नाट है वो भी हमने लगा दिया है, नाट को कस दिया है, अभी देखिए इसको भी हम कस दिया है। तो दोनों नाट को कस दिया है, एमपीसीबी को इसमें बैठा दिया है, एकदम सही हो गया। इसका जो वायर है वो थोड़ा हम उठा देंगे और इसको देखिए ढक्कन को लगा देंगे। तो लगाने के बाद देखिए मेरा एलईडी लाइट जो है वो ग्लो कर रहा है। और दोस्तों अगर ढक्कन लूज होता है तो आप जो सफ़ेद वाला सेलो टेप होता है उससे आप इसको टेप कर सकते हो। तो ये दोस्तों ओरिबा का 9 वाट का एलईडी बल्ब है। तो ओके, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।